Namaste. I hope you're doing well today. The lockdown is sad already for people. But have you thought how the lockdown impacts the poor and the animals as well? तो लॉकडाउन की जो असर है वो आपने सोचा है कि जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर कैसा हो रहा होगा? तो जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर तो काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि जो मजदूर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सेविंग 2 दिन या 3 दिन के लिए होता है, और सेविंग का मतलब पैसे ही नहीं, मतलब खाने का सामान भी, खाने पीने का जो सामान है वो भी बस उसके पास 2-3 दिन का मैक्सिमम रहता है। तो अगर वो जाके कुछ बाहर जाके घर के बाहर जाके कुछ करे नहीं तो उसकी परिवार को खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं। तो इस परिस्थिति में काफ़ी मैं समझता हूँ कि काफ़ी जो गरीब लोग हैं उनको असर हो रहा है, और अगर ये सो कॉल्ड वायरस ने नहीं मारा तो भूखे ही मर जाएंगे। तो एक जो एजेंडा है जो वर्ल्ड वाइड एलीट है और क्वीन एलिजाबेथ है उनका जो एजेंडा है, ये तो एक डीपॉपुलेशन भी एजेंडा है, चाहे वो बोले खुल के बोले या नहीं बोले। बात एजेंडा तो है उनकी, और कई जगह खुल के भी बोले हैं, जैसे जॉर्जिया गाइडस्टोन्स करके एक पत्थर में लिखा हुआ वो है, एडिक्ट है यूनाइटेड स्टेट्स में, तो वहां पे लिखा हुआ है कि द ग्लोबल पॉपुलेशन शुड बी मेंटेन अंडर 500,000 पीपल at any time. 500 million people, sorry. The global population should be maintained under 500 million people. तो so, 50 करोड़ लोग किसी भी समय पे वर्ल्ड की पॉपुलेशन होनी चाहिए 50 करोड़ लोग, ये पत्थर पे लिखा हुआ है अमेरिका में। तो इनका एजेंडा तो सामने है, हाँ, तो क्योंकि मेन स्ट्रीम नहीं है, कोई नहीं देख रहा है, और आपको जो है आपका सबकॉन्शियस मैनिपुलेट किया गया है एजुकेशन द्वारा और फिर मीडिया द्वारा और फिर जो लीगल सिस्टम है और पॉलिटिकल सिस्टम है, सब कुछ ने मैनिपुलेट करके आपको ये सब जो इश्यूज है वो देखने से रोक के रखा है। और ऊपर से आपकी जो अवेयरनेस है, आपकी जो आज्ञा चक्र की अवेयरनेस है, वो सब जैसे पानी में फ्लोराइड डाल के, इंडिया में तो पानी में फ्लोराइड डालते कि नहीं ये मैंने देखा नहीं है, लेकिन वेस्ट में और अमेरिका में पानी में फ्लोराइड डाला जाता है ताकि जो पाइनियल ग्लैंड है, जो आज्ञा चक्र का जो फिजिकल पार्ट है द पाइनियल ग्लैंड, तो उसको फ्लोराइड उसको कैल्सीफाई कर देता है, मतलब पत्थर का वो कर देता है, तो आपको अवेयरनेस कम हो जाती है। तो क्या करेगा वो गरीब आदमी जिसको और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो बाहर जाके कमा नहीं सके? तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। आप पशुओं को ले लीजिए, जानवरों को ले लीजिए, उनका भी बहुत बुरा हाल है, क्योंकि भारत इंडिया ही ऐसा देश है जिसमें बंदर वगैरह खुला घूम सकते हैं। तो आप मंदिर जाएंगे या धार्मिक स्थानों पे जाएंगे तो बंदर होते हैं जिनको मंदिर के प्रसाद वगैरह मिल जाते हैं और यात्री लोग खिलाते हैं। तो ये बंदरों का तो दूसरा जो प्रकृति से खाने का उनका तो वो आदत रहा नहीं, और ना ही प्रकृति में आजकल फल वगैरह मिलते हैं। तो जो लोगों के ऊपर ही ये एनिमल्स डिपेंडेंट है कि लोग कुछ खिलाएं। ठीक उसी तरह से सड़क के कुत्ते। सो लेट मी टेल यू हियर दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीट डॉग्स एंड स्ट्रे डॉग्स। सो स्ट्रीट डॉग्स जो है वो सड़क पे ही जन्म होते हैं, उनके सड़क पे ही पल के बड़े होते हैं। और स्ट्रे डॉग्स जो होता है वो होता है कि ओनर किसी कारण उसका देखभाल नहीं कर सकता है तो उसको सड़क पे छोड़ देता है जाके। सपोज ओनर को कहीं से मूव होना है, मतलब आपका अपना सिटी चेंज करना है, ओनर दिल्ली से बॉम्बे जा रहा है, तो कुत्ते को नहीं लेके जाके वो खुला सड़क पे छोड़ देता है और उसको बोलते हैं स्ट्रे डॉग्स। तो ज्यादातर वेस्ट में ज्यादा स्ट्रे डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं नहीं, क्योंकि ये लोग सड़क के कुत्तों को मार देते हैं। हाँ, तो सो मच फॉर देयर काइंडनेस ऑल्सो। ये देखिए आप, पश्चिम में लोग समझते हैं कि ये लोग कुत्ते को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब भी उनको प्रॉब्लम आ जाता है तो कुत्तों को मारने के लिए कोई उनको इमोशनल प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। मतलब स्ट्रीट डॉग्स को पहले तो एनिमल शेल्टर में ले लिया जाता है और कुछ दिन का मोहलत होता है, 15 दिन या 1 महीने की। अगर 1 महीने ने किसी ने उसको एडॉप्ट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो उसको मार दिया जाता है, जो मर्सी किलिंग होता है, यूथेनेशिया। तो हाँ, तो ये परिस्थिति हमारे भारत में भी शायद होता है, कम परिमाण पे, लेकिन होना नहीं चाहिए। तो दैट इज वन कॉज। तो सड़क के कुत्ते होंगे, बिल्ली हो गए, बंदर हो गए, और कई प्रकार के जो दूसरे जानवर, गौ हो गए, गौमाता। तो इनको लोग ही तो खिलाते हैं, तो अगर लोगों को बाहर नहीं निकालने दिया जाता है, मंदिर नहीं जाने दिया जाता है, गौशाला नहीं जाने दिया जाता है, तो कौन इनको खिलाएगा? हमारी सरकार तो नहीं जाके वो उधर खिला रहे हैं। हाँ, वो कैमरा लेके अगर कोई जाके एक दिन खिला दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे दिन के लिए भी उसको भोजन मिलेगा, आहार मिलेगा। तो ये परिस्थिति है। बात ये है कि जो परमात्मा है, भगवान है, वो ही चला रहे हैं सब कुछ, लेकिन इनकी जो एजेंडा है ये नास्तिकतावाद की एजेंडा है। और काफ़ी सारे लोग या तो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली नास्तिकतावादी हो गए हैं। जैसे कि अभी बोल रहे हैं कोविड में हॉस्पिटल्स में क्यों लोगों को अंदर, क्योंकि हॉस्पिटल्स की मतलब इतनी भीड़ होगी कि वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। ये तुम्हारी सोचने की जरूरत नहीं है, ये भगवान के ऊपर है कि कितने लोग जाएंगे उधर हॉस्पिटल्स में। और ऐसी परिस्थिति है कि सपोजिटली अगर लोग ही मर रहे हैं, ये महामारी है, तो तुमको क्या परेशानी है कि किसी को बोलो कि हाँ भाई हमारे हॉस्पिटल फुल हो गया है। और हमारे तो इंडिया के लोग तो बात सुनते हैं, जो सिस्टम की बात है, जो सरकार की बात है, वो तो सुनते हैं। तो आप सिंपली नो बोल दीजिए। हाँ, आपको ये सिस्टम मैनेजमेंट करने की क्या जरूरत है? कि कितने लोग आएंगे, हॉस्पिटल्स में रश होगा, ये होगा, वो होगा, ये सब आपको हैंडल करने की, ये सब नास्तिकतावाद से आती है। जब आपको कोई विश्वास नहीं है कि कोई दूसरा भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, ये सब नास्तिकतावाद से होता है। और आप सोचते हैं कि सारे सब कुछ ह्यूमन बींग्स ही, मानव ही कंट्रोल कर रहा है इस धरती पे, ये गलत है। मानव के अलावा भी कई अदर बींग्स है। एक तो है कई सिद्धांत हैं, मतलब जो अदृश्य है, वो कहीं भी कभी भी रूप ले सकते हैं। देवी देवता भी कभी भी रूप ले सकते हैं। तो वो मतलब मानव के रूप में आपको पता नहीं चलेगा कि वो देवी देवता है या सिद्ध है, लेकिन वो मानव के रूप में आके वो हेल्प करके जाता है। और ये अदृश्य रहते हैं आकाश में। तो ये सब तो जानकारी तो आपको है नहीं, क्योंकि आप नास्तिक हो। हाँ, आप तो विश्वास करते हो कि बस ये जो मटेरियल है और फिजिकल है, बस आपको साइंस का जो नॉन साइंस का जो पाठ पढ़ा दिया गया, वही आप विश्वास करके मान के पूरी जिंदगी निकाल देते हो। लेकिन सत जो जानते हैं लोग, तो उनको पता है कि ये सृष्टि सिर्फ मानव से नहीं चल रही है और काफी सारे एलिमेंट्स हैं। देवी देवता हो गए, सिद्ध हो गए, और इतना तक भी कि कोई जानवर भी हेल्प करते हैं इस सिस्टम में। जैसे कि आप कई ट्रैकर्स को पूछो, आप जो ट्रैकिंग में जाते हैं, वो अकेले अकेले अगर पहाड़ में जा रहे होते हैं ना, और कोई दिक्कत होती है, तो कहीं ना कहीं से कुत्ता निकल के आता है और वो कुत्ता उसको फॉलो करता है उसकी जर्नी के खत्म एंड तक। तो ये कुत्ता कहाँ से आया, और जर्नी खत्म होते ही कुत्ता गायब। तो ये कुत्ता कहाँ से आया और कहाँ जाके गायब हो, उसको खुद ही पता नहीं है जो ट्रेकर है या हाइकर है। तो ये सब एनिमल के रूप में भी प्रकृति हमको हेल्प करती है। तो क्योंकि ये लाइफ जो है ये सपोर्टिंग है, जो भगवान ने लाइफ बनाया, ये फुल्ली आपको डेवलप होने की, आपको स्पिरिचुअली डेवलप होने की फुल एक सपोर्टिंग, एक लविंग लाइफ बनाया। लेकिन इन लोगों ने इसको एक टिरनी बना दिया, एक डिस्टोपिया बना दिया, एक भयंकर नाइटमेयर बना दिया है, मतलब बुरा सपना बना दिया है। हाँ, सारे प्रोफेशंस कम कर दिए हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में सिर्फ यही देश है जो जिसमें बाबा लोग हो सकते हैं, मतलब एक साधुता जिसको बोलते हैं, वो एक ऑक्यूपेशन या वोकेशन सिर्फ इंडिया में माना जाता है। और गृहस्थी का दायित्व होता है कि वो संन्यास लिए हुए व्यक्तियों को सपोर्ट करे। लेकिन मेरा जो अनुभव है, ये जो सपोर्ट है बहुत ही कम हो रहा है हमारे देश में। जो साधु सन्यासी है, जो मतलब हर्मिट्स हैं, जो अपने अलग से रहते हैं, उनको बहुत कम सपोर्ट मिल रहा है। तो इन लोगों को भी, जो मंदिरों में खाते हैं, आश्रमों में खाते हैं, उनको भी दिक्कत आ रही होगी। तो सरकार भगवान नहीं है। तो ये जो, और मानव का जो माइंड है, जैसे कि आपका बॉडी जितना छोटा है, ये तो पता होगा कि कई लोगों को ये भी पता नहीं है, लेकिन आपके बॉडी एक लिमिटेड साइज है, तो आपकी माइंड भी लिमिटेड है। तो कोई भी बन जाए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो भी बन जाए, डीसी, तो उसको पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, ना ही उसका अवेयरनेस है, ना ही उनका आज्ञा चक्र खुला हुआ होता है, ना ही स्पिरिचुअल ज्ञान है। और है तो ज्यादातर नास्तिकतावाद ही है या तो मानववाद है। तो इन लोगों को पूरी कंप्लीट नॉलेज नहीं है कि ये जो सृष्टि है ये चलती कैसी है। तो इसीलिए जब जो लोग जानवरों को खिलाते पिलाते हैं, जैसे कि एक साउथ में व्यक्ति है जो हर रोज अपने घर के सामने हजारों टोटो को खिलाते हैं, पैरट्स को खिलाते हैं वो चावल, और व्यक्ति साधारण सा काम करते हैं कोई, ऑफिस में या कुछ, लेकिन वो इतना करते हैं कि मतलब डेली 20-30 किलो चावल लाके तोतों को खिला देते हैं और हजारों लाखों टोटे आते हैं। चेन्नई की बात है सर। तो ऐसे लोग अगर बाहर नहीं निकाल पाएंगे, जो सृष्टि को सपोर्ट कर रहे हैं, जो लाइफ को हेल्प कर रहे हैं, जानवरों को हेल्प कर रहे हैं, गरीबों को हेल्प कर रहे हैं, तो ये लोग तो खत्म ही हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको अवेयर होना चाहिए कि ये ऐसे नहीं होता है कि बस लॉकडाउन चाहो तो लॉकडाउन कर दो और आप फॉलो कर रहे हो बस चुपचाप भले बच्चे की तरह। तो कई 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 सारे ये जो एक सृष्टि का क्या बोले एक नेटवर्क है, वो चलने के लिए बहुत जरूरी होता है कि सब कुछ खुला रहे। तो इसीलिए आप काइंडली अवेयर होइए। आप जानकारी लीजिए और ये चैनल देखते रहिए। ये काफ़ी सारा इश्यूज आपको बताते जाएगा, क्या हुआ पास्ट में और क्या हो रहा है प्रेजेंट में। तो आपको ये प्लीज लुक इनटू ऑल दीज इश्यूज एंड बिकम अवेयर। आप जानिए, आपका ज्ञान बढ़ाइए कि क्या हो रहा है, और जो नास्तिक लोग हैं इनको रोकना है हाई पोजिशंस ऑफ पावर पे पहुंचने से, क्योंकि ये लोग सारा जो भगवान ने बनाया हुआ डिवाइन सिस्टम है धरती पे वो खत्म कर देंगे। तो काइंडली प्लीज बिकम अवेयर and start taking action and please learn to say no। no बोलने सीखना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि कोई माफिया बन के पैसे कमा रहा है, वाह 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 वाह, उसका भी वाह वाह। यही होता है इंडिया में, मतलब किसी भी प्रकार से पैसे बनाओ उसको भी वाह वाह ही मिलता है इस देश में, और इसी को फ्रीडम माना जाता है। जो गलत काम कर रहा है उसको टोकना बहुत जरूरी है इफ यूर राइट माइंडेड सिटीजन, और जो गलत काम हो रहा है उसको भी टोकना और नो बोलना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये आप समझिए 300 करोड़ लोगों को वर्ल्ड वाइड कौन सी ताकत है जो ये कर सकता है, और भारत में तो पहली बार हो रहा है। तो इसीलिए प्लीज वेक अप एंड टेक एक्शन। धन्यवाद।